हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक नेक्स्ट सवाल लेके आए हैं जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का इंटीग्रेशन का है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ पर आधारित है। जिसको तीनों आइडेंटिटीज़ आती होंगी वो इसको आसानी से कर सकता है। जो हमारी पहली आइडेंटिटीज़ जो होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होती है। एक दूसरी वाली होती जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होती है। थर्ड वाली सब समीकर जो होती है वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये कॉट सी ओ टी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हमारी तीनों सब समीकरण होती हैं। इन तीनों को याद कर लेना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर जगह यूज़ हो जाती हैं तीनों आइडेंटिटीज़, जिन्हें हिंदी में सब समीकरण बोलते हैं, जो कि 9th 10th 11th 12th में बहुत बेसिक से पढ़ते हैं। इसका हम प्रतिस्थापन विधि से इंटीग्रेशन करेंगे, जबकि प्रतिस्थापन विधि में हमको इसका अल्जेब्रिक टर्म मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में उसको चेंज करने के बाद इसका हम इस आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। जैसे कि इसको अब सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया हमने, सेक एक्स माइनस के टेन एक्स। अब इसका हम हर का परिमेयकरण मतलब इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण कैसे होता है, जैसे कि इसकी बीच में माइनस है तो इसकी पॉजिटिव से ऊपर नीचे अंश और हर, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में इसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी को हम हर का परिमेयकरण बोलते हैं। इसे मिटा देता हूँ, हर का परिमेयकरण। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में सेक एक्स प्लस के टेन एक्स, ये डी एक्स चल रहा है, क्योंकि ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस के टेन एक्स, और ये ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बनना है, तो ये ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये हमने फार्मूला बहुत छोटी क्लास में पढ़ रखा है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का जो फार्मूला बन रहा है, ये वाला फार्मूला जो है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम इसे लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर। ए की जगह पर हमारा क्या है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी की स्क्वायर, बी की जगह पर क्या हमारा टेन एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है ना। अभी मैंने थर्ड वाली आइडेंटिटीज़ के बाद सेकंड वाली आइडेंटिटीज़ के बताई थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, टेन को हम इधर भेज देते हैं, ठीक है ना, टेन स्क्वायर एक्स को हम इधर भेज देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस के टेन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो इसमें हम पुट कर देते हैं सेक एक्स प्लस के टेन एक्स, ठीक है ना, इसकी वैल्यू जो हमारी पूरी की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, ठीक है ना, तो हम 1 लिख देंगे। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, सेक एक्स प्लस के टेन एक्स, राइटिंग थोड़ा गंदा रहा, सेक एक्स प्लस के टेन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन जो होता है सेक एक्स प्लस टेन एक्स का हम इंटीग्रेशन, अब इसका फॉर्मूले से इंटीग्रेशन करेंगे, अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। हम जानते हैं वी नाउ दैट, इधर लिख देता हूँ इसको मिटाने के बाद, इधर जो पूरा प्रॉपर लिखेंगे हैं जगह नहीं, इस वजह से इधर लिख रहा हूँ। हम जानते हैं वी नाउ दैट हम जानते हैं इंटीग्रेशन सेक एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है लॉग सेक एक्स प्लस के टेन एक्स, ये होता है, और टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है लॉग सेक एक्स होता है, ठीक है ना, ये हम जानते हैं। अब इनकी वैल्यू, इनको
अलग अलग इसको अपना अपना एक इंटीग्रेशन सबको बांट देते हैं, sec x dx प्लस के इंटीग्रेशन में tan x प्लस के dx, ठीक है। अब sec x का इंटीग्रेशन क्या है, log sec x प्लस tan x, तो log sec x प्लस के tan x प्लस tan x का इंटीग्रेशन क्या है, log log sec x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और चलते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है और जो 2014 में बीटी में आ चुका है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं, बहुत काम क्या करना, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में बना के फिर आसानी से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। पहले इसका डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि इसे हमें पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तब इसका इंटीग्रेशन होगा। सिंप्लीफाई कैसे करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में अभी क्या किया था कि हर का परिमेयकरण, मतलब इसके डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन के मल्टीप्लाई करते थे, जिससे कि इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, हम लिखेंगे हर का सॉरी हर व अंश का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, चलो इसका हर का परिमेयकरण हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1/1 प्लस साइन एक्स, हर का परिमेयकरण करते हैं तो बेसिक हम जानते हैं कि जो भी साइन होता है उसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/ अपोजिट प्लस है तो इसका माइनस करेंगे, 1 साइन एक्स अपॉन में 1 के साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा 1 के। अब ये वही फार्मूला बन गया, एक ब्रैकेट में प्लस में एक माइनस में, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको मैंने क्या लिखा था, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, वी नाउ दैट हम इसे जानते हैं, वी नाउ दैट ये हमारा क्या, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है ना, इसका यूज़ किया है तो क्या हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, 1 माइनस के साइन स्क्वायर। अब इसका हम फर्स्ट वाली आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट वाली सर्वसमिका थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 जो थी, इसका यूज़ करेंगे, ठीक है ना, 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स इसका यूज़ करेंगे, इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, इसका हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हमने क्या रख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, एकदम इजी इंटीग्रेशन बेसिक से बिल्कुल सिखाया जा रहा है। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल पर, अब इसको हम हर एक पार्ट के नीचे मतलब डिवाइड कर देते हैं अपने अपने पार्ट के लिए, 1/cos 2x माइनस के साइन एक्स कॉस 2x इंटू डी एक्स, वन अपॉन ये कॉस स्क्वायर कॉस 2x में समझना, कॉस स्क्वायर एक्स है ये, ठीक है ना। अब इसका 1/cos² को हम ले सकते हैं, 1/cos को क्या ले सकते हैं, sec x, तो इसी का यूज़ करेंगे हम, 1/cos² को ले सकते हैं sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इसको अपने अपने टर्म में अपने अपने इंटीग्रेशन वाली फॉर्म में अलग अलग बांट दिया हम, इसको अपने अपने रूम में एक सेपरेट अलग कर दिया, जो कि एक रूम था इसको हमने अलग अलग कर दिया, इसको इंटीग्रेशन ये दे दिया, इसका डी एक्स ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन इसे दे देंगे अगली टर्म में और इसका डी एक्स ये आ जाएगा, ये साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे,
साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर एक्स है, टू पावर इसको दो बार ले सकते हैं। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा टेन एक्स बन जाएगा, और वन अपन कॉस को क्या ले सकते हैं, सेक एक्स, ठीक है ना। इसकी जगह पर हम पूरे इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पर ये वाली टर्म रख सकते हैं, ठीक है ना। जगह नहीं है इसलिए करके दिखा रहा हूँ। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह पर रख दिया। अब हमारा वी नाउ दैट हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो टेन एक्स होता है, ठीक है ना। और टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो सेक एक्स होता है, सेक एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस सी, इसका यूज़ करेंगे हम। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स, और अगली वाली टर्म टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा सेक एक्स प्लस के सी, ये हमारा आंसर हो गया। इतना एकदम इजी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। सारा इंटीग्रेशन मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड जो है पूरी आपको सॉल्व की जाएगी इस चैनल पर, आप बने रहिएगा मेरे चैनल पर। वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक और क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी हम कराते हैं, जो कि बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट और ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं वो आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि उसी पे ज़्यादातर जो क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन आते हैं उसी पर आधारित आते हैं, क्योंकि उसको पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करके किसी फॉर्मूले के रूप में उसे करना होता है, उसी के बाद मतलब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके कहीं इंटीग्रेशन होता है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं इस वाले में जो हमने किया है, इसमें पहले हमने आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया है, ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज़ होती हैं उसका यूज़ किया है। फिर हमने जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं साइन कोस टेन को तोड़ के, मतलब वन अपॉन सेक या वन अपॉन कोस या वन अपॉन साइन को क्या क्या लिख सकते हैं, उस तरह से हमने यूज़ करके अपने यूज़ के लिए फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, और फिर उसका फॉर्मूला होता है उसके बेस पर हमने उसको उसके आधार पर जो इंटीग्रेशन आसानी से कर लिया फॉर्मूले के थ्रू। बस यही एक कॉन्सेप्ट है जो कि आसानी से आपको समझना है, बट फॉर्मूले सारे आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा। चलिए और क्वेश्चन लाते हैं। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत इजी, एक जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा, एक वन मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। बस इसमें करना क्या है, हमको ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूले हैं उनको यूज़ करके और इसको क्या बोले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम आसानी से, कन्वर्ट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये क्या है, कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आसानी से हम ये लिख सकते हैं, और कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स वन अपॉन साइन एक्स इंटू में और इंटू डी एक्स, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स को हम ले सकते हैं टेन एक्स और वन अपॉन साइन एक्स हम क्या ले, नहीं सॉरी, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स को ले सकते हैं कॉट एक्स, और वन अपॉन साइन एक्स को ले सकते हैं कॉस एक्स एक्स इंटू डी एक्स। और हम जानते हैं वी नाउ दैट इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले आपको मोस्ट हैं याद करने पड़ेंगे, बिना इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के थ्रू आपको नहीं पता पड़ेगा कि हम किस तरह का कौन सा फॉर्मूला बना रहे हैं और कौन सा यूज़ कर रहे हैं। हम जानते हैं कि कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस के कॉट एक्स होता है। ये हमने क्या लगाया, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया इसमें, सिर्फ हमने क्या करा है कि ये हमारा इंटीग्रेशन का सूत्र होता है, इसको फॉर्मूले को याद किया है और इसकी जगह पे ये रखा है, इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाया, बस सिंपली क्या करा है फॉर्मूला लगा दिया है और इस फॉर्मूले के थ्रू ये हो गया प्लस सी लगा दिया, ये हमारा आंसर हो गया और हमारा वन मार्क एमसीक्यू में पक्का हो गया, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन लाते हैं, बने रहिए वीडियो पर और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अगर थोड़ा बहुत समझ आ। ये एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2015 में बीटी में आया हुआ है, इसको हम इजीली सॉल्व करेंगे, बट कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होंगे,
ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होंगे, लर्न करें होंगे, तभी हम इसको कर पाएंगे, तभी हम इसको कर पाएंगे, वरना उस बिना बेस ट्रिग्नोमेट्री के क्लियर हुए हम इसको आसानी से सॉल्व नहीं करते, ना के बराबर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता जाऊंगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ हो रहा है, उसी तरह से आपको याद करते रहना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ज़्यादा देर ना हो। वीडियो को अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व ये क्या दरकार है, टू एक्स इंटू कॉस डी एक्स इंटू डी एक्स ये दरकार है। हम इसमें टू से मल्टीप्लाई करेंगे और टू से डिवाइड करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम दो से दो काट देंगे, वन बचेगा, ठीक है ना। हम अपनी ज़रूरत के लिए कुछ भी घटा सकते हैं, कुछ भी बढ़ा सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, कुछ भी डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट उसको हटाने के बाद कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए सवाल पर, ठीक है ना। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस इतना रहे। ये नहीं कि अपने हिसाब से माइनस के दो बढ़ा दिया, अब मान लो कि सवाल पर उससे फ़र्क पड़ रहा है, मतलब उसको हटाने के बाद भी सवाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तब हम चीज़ वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये मैथ का कॉन्सेप्ट है। मान लो हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू से डिवाइड कर दिया, इसको वन से काट देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला पूरे सवाल पर, ठीक है ना। हम इसको वन बाई टू को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, और हम अपने इस वाले टू को अंदर ही रहने देंगे, क्यों, क्योंकि इसको हमको ज़रूरत है, और इसके बेस पर ही हम एक फार्मूला बनाएंगे, तभी हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। वी नाउ दैट आपने पढ़ा होगा कभी, वी नाउ दैट टू साइन ए, नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे बहुत सारे फॉर्मूले, टू साइन ए कॉस बी बराबर क्या होता था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी ये फार्मूला होता था। आपको ये फार्मूला यूज़ करना है इसमें, और फिर बाद में इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है। इसमें मैंने कोई इतना तगड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, इसमें बस मैंने इतना करा है कि टू साइन ए कॉस बी का फार्मूला यूज़ किया है, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करा है मैंने, ठीक है ना। चलो हम इसका यूज़ करते हैं, वन बाई टू और इंटीग्रेशन टू साइन ए कॉस बी की जगह क्या ले सकते हैं, साइन टू एक्स प्लस की थ्री एक्स, टू एक्स प्लस की थ्री एक्स की जगह क्या ले सकते हैं, फाइव एक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूँ जगह ना होने की वजह से, फाइव एक्स, ठीक है ना। और प्लस साइन थ्री एक्स में से टू एक्स, थ्री एक्स में से टू एक्स से बचेंगे तो क्या बचेगा, एक्स, तो ये एक्स साइन एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स, और ये डी एक्स, ठीक है। वन बाई टू पूरे के बाहर चल रहा है। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कोस एक्स, कोस एक्स, ठीक है ना, कोस एक्स। अब इसके एंगल का भी, जब हम किसी कोई भी चीज़ किसी एंगल में होती है तो उसका इंटीग्रेशन तो करते ही हैं, बट उसके एंगल का भी डिफरेंशिएशन करते हैं, वो भी बटे में, तो डी अपॉन डी एक्स करेंगे, फाइव एक्स का डी अपॉन डी एक्स क्या होगा, फाइव, ठीक है ना, और एक्स का वन, क्योंकि एक्स की विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए एक्स का जो हो जाएगी वो वैल्यू वन हो जाएगी। अब हम डिफरेंशिएशन की वैल्यू किस में रखते हैं, अपॉन में रखते हैं, ठीक है ना, प्लस। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अच्छा ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, आप चाहो तो इसे फाइव एक्स अलग अलग दिखा सकते हो, जगह न होने की वजह से मैंने इसे डायरेक्ट साइन फाइव एक्स साइन एक्स डी एक्स इसे इस तरह से अलग करके भी बाद में यहाँ पर लिख सकते हो। एक लाइन मैंने शॉर्ट कर दी, बट आपको इतना तो पता ही होगा इसलिए मैंने इसे शॉर्ट किया है। चलिए अब इसका साइन एक्स का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस के कॉस एक्स। अब एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू वन हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसकी वन बाई टू से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के कॉस फाइव एक्स, दो पंजे दस, माइनस के वन बाई टू कॉस एक्स प्लस के सी, ठीक है ना, प्लस के सी जोड़ दिए इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, और ये हमारा कर सवाल हो गया विद
विद 5 मार्क, 5 मार्क में आया हुआ, 2015 में आया हुआ BTV बोर्ड में। अगर सवाल पसंद आया हो, समझाना मेरा समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाना है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।